Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic which is most frequently asked in your obstetrics examination, and that is hydative form mole. Friends, hydative form mole has been discussed in gestational trophoblastic disease chapter of your DC Datta textbook. So jab aap इस चैप्टर को रेफर करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. सो दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. फ्रेंड्स, मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आई लिंक में मैंने शेयर किए हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर उन वीडियोस को विजिट करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियोस कैसे लगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज. यहाँ पर हमें टर्म से ही पता चल रहा है दैट जेस्टेशनल दैट मींस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ट्रोफोब्लास्टिक मतलब जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनमें होने वाली डिजीज को हम कहते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज. कई बार जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का क्वेश्चन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेशिया के नाम से भी पूछा जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. सो ये क्या है? एनकम्पासेस अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोलिफरेशन अबनॉर्मेलिटी ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. ये एनकम्पास करती है, दैट मींस कवर करती है ऑल द प्रोलिफरेटिव अबनॉर्मेलिटीज. ऐसी अबनॉर्मेलिटीज जिसमें जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है. और किस वजह से? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ड्यू टू परसिस्टेंटली रेज्ड बीटा HCG. ये आपको याद रखना जरूरी है दैट बीटा HCG जो होता है वो अगर परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती है उसमें कुछ प्रोलिफरेशन अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं और हम इसे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं. नाउ इसका एक पार्ट होता है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल. इसमें क्या होता है? इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा. ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है प्लेसेंटा की, वेयर देयर आर पार्टली डीजनरेटिव एंड पार्टली प्रोलिफरेटिव. थोड़ा सा प्लेसेंटा के जो सेल्स होते हैं प्लेसेंटा के उसमें प्रोलिफरेशन होता है और कुछ सेल्स में डीजनरेशन होता है. और ये कोरियोनिक विलाई में कुछ चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से सिस्ट लाइक स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेटिव फॉर्म मोल. सो बेसिकली इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा जहां पर क्या हो रहा है? पार्टली डीजनरेटिव और पार्टली प्रोलिफरेटिव चेंजेस आ रहे हैं कोरियोनिक विलाई में जिसकी वजह से स्मॉल वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है. नाउ लेट्स डिस्कस द इटियोलॉजी कि वो क्या कॉजेस हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टीन एज ग्रुप और ओल्ड एज प्रेगनेंसी में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, दैट मीन्स 35 ईयर्स तक. ऑल्सो इन एडिकेट न्यूट्रिशनल सप्लाई. अगर न्यूट्रिशन की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं होती है तब भी ये अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन जिसमें पार्टली डीजनरेटिव और पार्टली प्रोलिफरेटिव चेंज जो देखने को मिलते हैं वो चीज हमें देखने को मिल जाएंगे इस चीज में. ऑल्सो नाउ दैट वी हैव सीन दैट यहाँ पर हमें इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल सप्लाई की वजह से ऐसा हो रहा है, कई बार साइटोलॉजिक या फिर साइटोजेनिक अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है. दैट मीन्स सेल के साइटोजेनिक जीन्स में कोई अबनॉर्मेलिटी होती है उसकी वजह से भी कई बार ये चीज हमें देखने को मिल सकती है. नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ये ज्यादातर ऐसे कंडीशन में होता है जब एक एम्प्टी ओवम फ्यूज करता है हैप्लॉइड स्पर्म के साथ. ज्यादातर जो हमें जीनोटाइप देखने को मिलता है वो ये होता है 85% केस में 46XX. इस कंडीशन में हमें ज्यादातर ये चीज देखने को मिलता है विच इज नोन एज हाइड्रेटिव फॉर्म मोल. नाउ दैट वी हैव सीन कि इटियोलॉजी क्या कॉजेस होते हैं इसके फॉर्मेशन के, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या, ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये एज अ डिजीज हमारे सामने
देखने को मिलता है। सो यहाँ पर लिखा है ये डिजीज होती है कोरियन की, इसमें क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का डेथ हो जाता है। तो यहाँ से आप इन्फेरेंस निकाल सकते हो कि हमें यहाँ पर फीटल हार्ट साउंड ड्यूरिंग डायग्नोसिस सुनाई नहीं देगा क्योंकि फीटस की डेथ हो चुकी है। मैटरनल कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, वो स्ट्रोमा में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं इन स्ट्रोमा ऑफ विलाई लीडिंग टू वेसिकल फॉर्मेशन। तो जो ट्रोफोब्लास्टिक विलाई होते हैं, जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, वहां पर कॉम्पोनेंट्स, जो मेटर्नल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर वेसिकल फॉर्मेशन हो जाता है। अब वेसिकल फ्लूइड सिमिलर टू इडिमेटस फ्लूइड विथ इंक्रीज इन HCG बीटा HCG बढ़े होने की वजह से ये हो रहा था। तो जो वेसिकल्स है इसमें कुछ फ्लूइड फिल हो जाता है और ये क्यों होता है, ये सिमिलर होता है इडिमेटस फ्लूइड के और इसका अक्यूमुलेशन क्यों होता है, बीटा HCG का लेवल बढ़ने की वजह से। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे, ये ग्रेप लाइक होते हैं। ग्रेप लाइक अपीयरेंस के वेसिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। Now let's move on and discuss the clinical features. Now आप समझ गए होंगे कि इसकी पैथोलॉजी कैसे अपीयर होती है। जो कोरियोनिक विलाई है फीटस की डेथ होने के बाद, उस विलाई में मेटर्नल कॉम्पोनेंट्स का अक्यूमुलेशन होने लगता है और वो वेसिकल का फॉर्म ले लेती है जो ग्रेप लाइक अपीयरेंस शो करता है और उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन बीटा HCG लेवल। बीटा HCG लेवल बढ़ा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। अब हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट 90% केसेस में जो चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज पर वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग हमें ऑब्जर्व होगी 90% केसेस में। फ्रेंड्स, अबॉर्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। अबॉर्शन, उसके टाइप्स कई बार एग्जामिनेशन में एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 20 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लिनिकल फीचर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट हमें वेजाइनल ब्लीडिंग ऑब्जर्व होती है 90% केसेस में। अब्डोमिनल पेन ऑब्जर्व होगा, क्यों हो सकता है, ओवरस्ट्रेच्ड यूटरस की वजह से। कई बार ऐसा होता है दैट यूटरस जो होता है वो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है, ओवरस्ट्रेच्ड हो जाता है, उसकी वजह से पेन कॉज करता है। कई बार जो मोल होते हैं वो इन्वेसिव हो जाते हैं, वो यूटरस को इन्वेड कर देते हैं और दैट इज वाई वो पेन का कारण बनता है। ऑल्सो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, हम सबको पता है दैट हमारी बॉडी, हमारा जो यूटरस है, अगर इसके अंदर कोई भी और चीज प्रेजेंट होती है, यूटरस हमेशा इस बात को ट्राई करेगा कि वो उस चीज को खुद से एक्सपेल कर दे क्योंकि वो चीज बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो परमानेंट परसिस्टेंट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे उस चीज को, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल को एक्सपेल करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई अब्डोमिनल पेन इस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है। मूविंग ऑन, यहाँ पर हमें हाइपर इमेसिस देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है, बीटा HCG का लेवल जब बढ़ा होता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग के लिए। तो हाइपर इमेसिस, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में भी परसिस्टेंट बीटा HCG का लेवल बढ़ा हुआ होगा, इसलिए हमें यहाँ पर वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ब्रेथलेसनेस ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक सेल। कई बार जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल होती है ये लंग्स में एम्बोलाई का फॉर्मेशन कर देती है, एम्बोलाई के फॉर्म में जाकर स्टक हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस नहीं आएगी, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइनम। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइनम देखने को मिलते हैं, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस few of the more clinical features, जैसे क्विकनिंग की हिस्ट्री एबसेंट होगी। क्विकनिंग क्या होती है,
ये एक मूवमेंट होता है, लाइटनिंग लाइक मूवमेंट, जो फीटस के मूव करने से पता चलता है अब्डोमेन में, बट क्विकनिंग की हिस्ट्री एब्सेंट होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था दैट फीटस की डेथ हो चुकी है. फीटस हार्ट साउंड एब्सेंट होगा, FHS इज फीटल हार्ट साउंड. स्नो स्टॉर्म अपियरेंस, देखिए ये स्नो स्टॉर्म अपियरेंस है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार पीजी के एग्जामिनेशन में MCQs में पूछा जाता है दैट स्नो स्टॉर्म अपियरेंस हमें किस चीज की यूएसजी में मिलता है देखने को, तो वो है हाइडेटरी फॉर्म मोल या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज. नाउ अगर आप पर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो यूट्रस की कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ रही थी, उसका साइज बढ़ रहा था ड्यू टू ए मिनोरिया. फीटल पार्ट्स आर नॉट फेल्ट बिकॉज फीटल की डेथ हो चुकी है फीटस की. FHS cannot be detected. Fetal heart sound detect नहीं होगा because the fetus is dead. Now let's move on and discuss the investigation. तो investigation हम कैसे करेंगे? Sonography करेंगे और हमें क्या मिलेगा? Sonography में हमें snowstorm appearance मिलेगा and urine pregnancy test यहाँ पर positive होगा क्योंकि beta HCG का level बढ़ा हुआ है. बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा. अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कई बार पेशेंट को ऐसा लग सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि अबॉर्शन में भी पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है. सो कई बार कैसा लग सकता है डॉक्टर को कि ये थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस हो, फाइब्रॉइड या फिर ओवेरियन ट्यूमर के भी केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी का ऑलरेडी एक साइज है, ओवेरियन ट्यूमर का फिर से एक साइज, तो जो स्टमक सॉरी जो यूट्रस होगी वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है. दैट इज वाई ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का कारण हो सकता है. ऑल्सो मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में भी यूट्रस नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, दैट इज वाई इसको भी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ले सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द कॉम्प्लिकेशन कि हमें यहाँ क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेगा. हीमरेज हो सकता है, हमने देखा ही परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हीमरेज होने की वजह से शॉक हो सकता है. और क्या हो सकता है? अगर वहां पे इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसीमिया, सेप्सिस हो सकती है. अगर इन्वेसिव मोल है तो वो यूट्रस का परफोरेशन कर सकता है. ठीक है, प्री क्लैम्पशिया की कंडीशन हो सकती है बीपी फॉल होने की वजह से, अगर शॉक की प्रॉब्लम आ जाए तो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी की वजह से. प्री क्लैम्पशिया क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने प्री क्लैम्पशिया के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो ऐसे ही नोट्स के फॉर्म से एक्सप्लेन करके बनाई हुई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्री क्लैम्पशिया प्रिपेयर करना है, आई डोंट थिंक कि आपको उससे बेटर एक्सप्लेनेटरी वीडियो या फिर नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिल सकती है. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, सर्जरी से रिलेटेड और वीडियोस मिस ना करो. मूविंग ऑन, अक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी देखने को मिलती है यहाँ पर. दैट मीन्स हमने देखा था ना कई बार अगर जो ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अगर लंग्स में चले जाते हैं, एम्बोलिज्म हो जाता है तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है और कोएगुलेशन फेलियर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड समटाइम्स. नाउ दैट वी हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस, अब हम मैनेजमेंट देखते हैं. तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज SE ताकि जो यूट्रस के अंदर का ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है हम सब उसे रिमूव कर पाए. ऑल्सो सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है पेशेंट के लिए अगर वो अनिमिया या फिर किसी इन्फेक्शन से, सेप्टिसीमिया से सफर कर रहा है, उसकी काउंसलिंग की जाती है. अगर जो फीमेल है वो 35 ईयर्स से बड़ी है, ज्यादा है, तो हम उसकी हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं. अनकंट्रोल्ड हीमरेज ड्यूरिंग सक्शन इवैक्यूएशन, पेशेंट हैज कंप्लीटेड हर फैमिली. तो यहाँ पे हिस्टेरेक्टमी कब एडवाइज होती है? जब फीमेल की एज या तो 35 ईयर्स से ज्यादा हो या तो अनकंट्रोल्ड हीमरेज देखने को मिल रहा हो, बहुत ज्यादा हीमरेज ऑब्जर्व हो रहा हो और पेशेंट ने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली हो. हिस्टेरोटोमी हम कब करते हैं? प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है और एक्सीडेंटल परफोरेशन हो गया है यूट्रस का ड्यूरिंग सक्शन इवैक्यूएशन. यूट्रस है, सक्शन इवैक्यूएशन में यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्टर किया जाता है. सपोज उस इंस्ट्रूमेंट ने यूट्रस का परफोरेशन कर दिया तो उस कंडीशन में हम हिस्टेरोटोमी करते हैं एंड वेजाइना इज अनफिट फॉर
सक्शन इवैक्यूएशन, अगर वेजाइना जो अनफिट है सक्शन इवैक्यूएशन के लिए, तो उस कंडीशन में भी हम हिस्टेरोटोमी को यूज करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर कुछ कंट्रासेप्टिव एडवाइजेस है जो कि ऐसे पर्सन को दी जाती है, जैसे पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू बी प्रेग्नेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, क्योंकि उसके यूटरस को इस चीज से उबरने के लिए या फिर उसके स्कारिंग को हील होने के लिए टाइम देना चाहिए। IUDs आर नॉट एडवाइज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर प्रेस्क्राइब्ड। अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स विदाउट, अगर प्रेगनेंसी जो कपल है उसको अंडरगो करना है, सो OCPs आर एडवाइज इंस्टेड ऑफ IUDs बिकॉज दीज आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, दैट इज वाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस विथ यू ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।